अभी हम अंदरून मैदान में आए तो मेरे पीछे ये बोर्ड गेट है, तो अभी हम यहाँ ये विजिट करने लगे हैं। तो नवीब भाई आगे आगे चले जा रहे हैं, ये भी शूट बता रहे हैं। तो ये सड़क जा रही है, अभी मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ। अब आगे हरम गेट आने वाला है, तो अभी मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। सारा जो अंदरून मुल्तान आपको दिखा रहा हूँ, तो काफी खूबसूरत है, बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी सड़कें तंग है, तो गाड़ी में थोड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं, छोटी छोटी सड़कें, लेकिन मजा आ गया वैसे यहाँ तक तो। अभी कुछ भी नहीं घूमा हमने, तो फिर भी यहाँ पे मजा आ रहा है, मुल्तान वाइब्स आ रही है। वैसे बाइक होती ना तो ज्यादा मजा आ जाना था, बाइक गाइड में थोड़ी रुकावट आ रही है, बस ये मसला है। और वैसे एक ये बात है, शुक्र है शोर से बंद है, और इतना रश है अभी, बड़ा सुबह का टाइम है, अभी सुबह सुबह का टाइम है तो शोर बंद है, तो इसकी वजह से हम इजीली घूम सकते हैं बाजार। तो हमारा प्लान यही था कि बाजार बंद होंगे तो हम इजीली जिसमें भी गेट है वो देख लेंगे। तो अभी कौन सा गेट आने वाला है, हरम गेट तो अभी आप बोल रहे। तो ये जी मेरे पीछे जो गेट है ये हरम गेट है, तो अभी हम हरम गेट पहुँच चुके हैं। तो नवीब भाई थोड़ा सा कैमरे से कतरा रहे हैं, तो पता नहीं क्या बात है, लेकिन मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। ये हरम गेट है मुल्तान। हाँ जी, ये भाई हरम गेट है। हाँ, तो अब अगला गेट कौन सा है? अगला गेट पा गेट है। वो कहाँ पे है? पा गेट के साथ ही खूनी बुर्ज है, ठीक है, और उसकी बहुत तारीख है, वो भी देखते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हम अंदरून मुल्तान घूम रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक अच्छी चीज है दिखाने वाली वो आपको दिखाते हैं। रश काफी ज्यादा हो गया यहाँ पे, एक तो अंदरून तो पुराना गेट तो है ही जो है, तो यहाँ पे रिक्शा वगैरह आप देख सकते हैं, तो काफी ज्यादा पुराने तरीके के। जो खास चीज मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ, तो ये टांगा, तो मुल्तान में ये टांगा है जो हम बचपन में कभी सफारी किया करते थे, तो यहाँ पे अभी भी चलते हैं। पहले यहाँ पे दो टांगे करे थे, अभी एक खड़ा है। अभी हम टांगे की सवारी करने लगे हैं, तो अंकल इंतजार कर रहे हैं। जैकेट फट गई। अभी जी हम टांगे में बैठ गए कई काफी सालों के बाद, तो अंकल के साथ। अंकल जी टांगे यहाँ पे बंद नहीं हुए अभी? नहीं जी, चार पांच हैं जी, दो टांगे वाले हैं, ऐसे ही दो चार हैं टांगे अभी चल रहे हैं। पहले ये सवारी का अपना ही मजा है। नवीब भाई कैसा है यार? यकीन करो बचपन अभी याद आया। मैं पीछे नहीं बैठा, पीछे से मैं गिरता रहता था, तो अभी भी वैसी फीलिंग है यार। मैं बचपन तो अभी याद आया। ये तो बारिश चला कहीं मोड़ लो। मजा आ रहा है टांगे पे झूला लेने का, तो नवीब भाई को कल से फोन आ गया मेरे ख्याल से। अभी हम टांगे की सवारी कर रहे हैं, तो नवीब भाई ने बड़ा सलाह किया कि टांगे की सवारी करनी है, तो बड़े सालों बाद टांगा नजर आया हमें, तो हमने कहा चलो जी सवारी कर लेते हैं टांगे की।
तो अंदरून जो मुल्तान है तो मुल्तान की वाइज लेते हुए टांगे के साथ आगे ये आगे आगे चल रहा है। नहीं बस इतने खड़े कर दो बड़ी मेहरबानी। तो ये नवी भाई की बदौलत हुआ है सारा कुछ। तो नवी भाई को बहुत शौक था मुल्तान आने का है नवी भाई, तो इन्हें पता भी है सारा मुल्तान कैसे घूमना कैसे नहीं घूमना, तो ये मुझे भी यही घुमा रहे हैं तो मैं इनके साथ आ गया हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे साथ आगे रेडी हो गए। मेरी ख्वाहिश थी यार दरबार में सलाम करने की शाहरुख ने आलम के सही सही शम्स बरेद के, अभी इंशाल्लाह उधर जाएंगे ठीक है। अभी दो गेट और रहते हैं हाँ वो देख के हुसैन का ही बाजार जाएंगे ठीक पूरी बुर्ज देखेंगे सही है। तो अब हम आगे जो दो गेट है दो दो तीन गेट रहते हैं तो वो देखने लगे अभी आगे। तो ये जो पुलिस स्टेशन है मुल्तान का था हरम गेट, अभी हम दूसरे गेट की तरफ जा रहे हैं। अभी हम जी खुनीपुर जी में आ गए हैं, तो यहाँ से ऊपर चल गए हम, नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है। तो ये खुनीपुर जी कुछ इतना खास नहीं है लेकिन इसकी एक हिस्ट्री है, तो वो नवी भाई का आपको बताएंगे। हिस्ट्री ये कि भैया सिकंदर आजम आया था वो बहुत शदीद जंग हुई थी कहते हैं, तो खुनीपुर इसलिए बड़ा है जो कहते हैं जो जंग हुई थी उसमें लाशों के ढेर लगा दिए गए। अच्छा तो इसका नाम सिकंदर आजम को बहुत गहरे जख्म आए थे यहाँ पे मारा गया। हाँ ये तो है थोड़ा सा गंद यहाँ पे ज्यादा हो गया है लेकिन अभी आपको दिखाते हैं ये इसकी हिस्ट्री थी तो इसलिए हम यहाँ पे आए थे दिखाने के लिए। अभी आप ऊंचाई में चेक करें ये ऊंचा है पीछे अभी दिखाते हैं ये बस ऊंचा नीचा ऐसी है सीढ़ी ऊंचा नीचा नहीं है ये किला है वाकई किला है सही है तो और एक किला है सही सही है ये किले खेल रहे हैं ये किला है सही है ये सारा किला है ठीक है चेक करवाया ना अभी। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है ये हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। हम अब जा रहे हैं दिल्ली गेट की तरफ, तो कुनिकपुर जहाँ हमने देख लिया आप दिल्ली गेट दिखाते हैं आपको, उसके बाद हमने जाना है हाफज मुल्तानी सोहन हलवा है वहाँ पे मशहूर मुल्तान का अभी बोल लेना है। तो अभी हम पहुँचे हैं तो दिल्ली गेट है ये, तो नवीब भाई भी साथ हमारे, तो ये है जी दिल्ली गेट यहाँ का। अभी यहाँ पे रश काफी ज्यादा बढ़ गया है तो मैं गाड़ी अभी पार्किंग में लगाने लगा हूँ, तो नवीब भाई आगे आगे दिखा रहे हैं पार्किंग हमें। तो ये कौन सी पार्किंग है, ये पार्किंग है पहले पार्किंग लगा दें गाड़ी जी। अभी हमने गाड़ी जो है पार्किंग में लगा दी और मैंने अपना बैग वगैरह पहन लिया। तो यहाँ पे पीछे मैं देख रहा था सारा किला टाइप ही बना हुआ है यहाँ पे, क्या अजीब वाइब्स है यहाँ पे, अजीब सी वाइब्स है यहाँ पे आ रही है। तो अंदरून मुल्तान है ये सारा, अंदरून मुल्तान है भाई। तो अभी हम यही तो मजा है जा रहे हैं हुसैन का ही बाजार वहाँ पे हाफिज का जो मुल्तानी हलवा वो लेने के लिए। इस तरह अंदरून लाहौर है अंदरून मुल्तान है यार सेम चीज लग रही है मुझे लाहौर जैसी, क्या करे किला पूरा। अभी हम जा रहे हैं जी सैना का बाजार, तो मेरे पीछे यहाँ पे दिल्ली गेट है, तो गाड़ी की पर्ची हमने ले ली है तो गाड़ी हमने पार्किंग पे लगा दी है। तो अभी सैना का ही बाजार कौन सा है यहाँ से, ये एक बाजार ये निकलता है दूसरा बाजार ये तीसरा ये सैना का ही बाजार है। तो अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं, तो मेरी आवाज़ पता नहीं आपको आ रही कि नहीं आ रही है, आवाज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोर।
तो अभी यहाँ पे हम जा रहे हैं तो पतली पतली सी सड़कें हैं और बाजार टाइप सी ये जगह है, काफ़ी छोटी छोटी सड़कें हैं यहाँ। अभी देखते हैं कितनी दूर आएगा यार हाफज का मुल्तानी सोहना अल्फा। पहुँच गए हैं जी हाफज का जो है मुल्तानी अलवा सोहन अलवा मशहूर उनकी शॉप पे, तो ये आ गई उनकी शॉप। अगे किधर आ गया इधर जाना इधर जाना। अभी हम यहाँ पे हलवा लेते हैं जितना उन्हें भी नहीं लेना है अभी। जो फ्रेश हो जाए बनाओ। पार्किंग की तरफ जा रहे हैं तो हलवा वगैरह हमने ले लिया, उन्होंने वीडियो नहीं बनानी थी अंदर से तो इसलिए माफ़ कर। अभी हलवा वगैरह ले लिया तो अभी हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी वगैरह लेने के लिए, तो आगे जाएंगे दौलत बाजार की तरफ। वहाँ शम्स तबरेज उनका जी मज़ार है, वहाँ पर जा रहे हैं अभी। अभी रश बढ़ गया बाजार में काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं गाड़ी लेते हैं अपनी। यहाँ से शोर काफ़ी ज़्यादा है तो आवाज़ पता नहीं आ रही है कि नहीं आ रही। अभी हम जा रहे हैं जी शम्स तबरेज, मेरे दिमाग से लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा, तो उनके मज़ार पे जा रहे हैं। तो दोनों के काफ़ी ज़्यादा रश पड़ गया, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई यहाँ पे। हम जैकेट्स वगैरह पहन के आए थे तो अभी गर्मी लग रही है, जाम हो गया यहाँ पे।